बहुत ही बढ़िया आ गई, एक नंबर की। कल रात को ना नूडल्स खाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आए कि आप ना ऐसे कहते हो कि मिर्च मसाला नहीं खाते हो, और आप जो नूडल्स खाते हो, मैगी खाते हो, उसमें भी तो मिर्च मसाला होता है। मेरे को ना जब ये मैगी शब्द या नूडल्स शब्द लिखा हुआ भी मिल जाता है ना, या कोई रील दिख जाती है, शॉर्ट वीडियो दिख जाती है, या मैं कोई वीडियो देख लेती हूँ जिसमें कोई मैगी खा रहा होता है, तो उसको देख के ही मेरा खाने का दिल कर जाता है। और ट्रस्ट मी, ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, ये दूसरी टाइप की नूडल है, ये मैगी नहीं है, ये आई थिंक मैं नाम भूल रही हूँ, कॉमेंट करके बताना अगर आपको याद आ जाए। तो इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी डिलीशियस थी ना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ खाने का। मेरा तो रात को इतना मज़ा आया, एसी चला के आराम से मज़े से विहान सो गया था, आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, और मैं ये नूडल्स खाए रात को, बहुत अच्छी थी, इतनी यम्मी थी ना, बस पूछो मत आप। उसके बाद ये सुबह का टाइम आ गया था, सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, तो आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी। विहान को मैं लेट उठाती हूँ, मैं विहान के उठने से 1 घंटे पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इतने तैयारी करनी होती है, विहान का टिफ़िन तैयार करना है। वो टिफ़िन तो चलो मम्मा पराठा बना देते हैं, बाकी चीज़ें जैसे यूनिफॉर्म वगैरह सेट करनी, खुद को भी तैयार करना होता है, तो सुबह सुबह मैं नहा लेती हूँ। आज देखिए नहाने के बाद मैंने ये सूट पहना था, और सुबह सुबह सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग मेरा दिल कर गया कि मैं नारियल पानी पीऊँगी, क्योंकि रखा है, मम्मी तो हाथ भी नहीं लगाती, मैं रोज कहती हूँ मम्मी आप भी पी लिया करो, और इनको ना पहले जब मैं याद है लेकर आई थी, मुझे ये नारियल पानी तोड़ना भी नहीं आता था, मैं ऐसे पागलों की तरह लगी हुई थी, अब मुझे आ गया। कुछ नहीं, आगे से जो फ्रंट एरिया है ना, यहाँ हल्का सा थोड़ा सा चाकू से कर दिया ना, मतलब छेद, अपने आप निकल जाता है, और इसका तो आज तो दिल खुश हो गया। देखो आपको कितना अच्छा लगने वाला है, मैं तो बड़ी बहुत खुश हुई सुबह सुबह, इतना बढ़िया। कहते हैं नारियल पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं देखो आप भी, आपके सामने है, मैं खाने पीने के मामले में अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती रहती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना खाना पीना तो अच्छा रहे, खुराक अच्छी रहे, है ना, अगर शरीर है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ सही है तो बंदा कमा भी सकता है, उठ के खड़ा हो सकता है, बट अगर आपने हेल्थ ही गंवा दी तो फिर आप किसी लायक नहीं बचते हो। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे नारियल पानी निकाल दिया, और मैं गिलास में अभी ऐड करके देखूँगी। मैं यहाँ छलनी ढूँढ रही थी, बट मुझे छलनी मिली नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा जैसे नारियल के मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था, और इसमें नारियल पानी में सुबह ब्रेकफास्ट में आज लूँगी। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। देखिए ना 45 रुपये में मुझे कितना नारियल पानी मिल गया, ये वाला नारियल, मुझे पहले ही लग रहा था इसमें बहुत अच्छा खासा नारियल पानी मिलेगा मुझे। देखिए ना इतना बड़ा, ये लस्सी का ग्लास है, ये छोटा वाला देखो, ये होता है छोटा ग्लास, नॉर्मल पानी पीते हैं जिसमें, यह लस्सी वाला ग्लास जो बड़ा लस्सी का पीते हैं ना हम ग्लास मार्केट में, वो वाला है, और ये भी पूरा भर गया। माँ को दिखाती हूँ, मम्मी देखो पूरा ग्लास भर गया बड़े वाला, एक नारियल पानी। हाँ एक में ही पियोगे? अरे वाह क्या बात है। मैं विहान को ना सुबह नहीं नहला के लेके जाती स्कूल में, मैं शाम को नहला देती हूँ विहान को, क्योंकि सुबह बड़ी जल्दी जल्दी होती है, नींद में से उठता है विहान, उसके बाद फटाफट बस ड्रेस पहनाती हूँ और स्कूल भेजती हूँ। यहाँ मैं विहान को जुराबे पहना रही हूँ, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, बस फटाफट निकलूँगी। पापा जी नहीं छोड़ के आएंगे, मैं खुद जाऊँगी अभी पैदल, क्योंकि पापा जी थे ही नहीं आज सुबह, जब मैं उठी ना तो स्कूटी लेके कहीं गए हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। और अभी बाइक मेरे को चलानी नहीं आती, और अभी एकदम से मैं कैसे ले जाऊं बाइक, आप ही बताइए ना, पहले मैं सीख तो लूँ चलाना, बच्चे को अपने साथ तो फिर भी बंदा रिस्क ले ले, बच्चे को लेकर जाना है, अभी बच्चे का हेलमेट ख़रीदना है पहले मुझे, एक छोटा विहान को भी मैं हेलमेट पहना कर ही बाइक पर लेकर जाया करूँगी, इसीलिए पहले मेरे को चाहे 15 दिन में पहले खुद चला के चलाना सीख लूँ,
फिर ही बाहर रोड पे निकालूंगी, और बाकी मेरे पास कोई है भी नहीं जो मुझे चलानी सिखा दे बाइक। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के ही खुद चलानी सीखनी पड़ेगी मुझे। और ये देखो यहाँ पे विहान का टिफ़िन है, आज टिफ़िन में दही है, साथ में पराठा है, सिंपल प्लेन पराठा है। तो यही मैंने सुबह, मैंने भी नाश्ते में यही खा लूँगी, एक पराठा और दही के साथ। और विहान को मैंने सुबह अंगूर खिला दिए थे, 5-6 अंगूर खा लिए थे, उसके बाद दवाई खिला दी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ, मंडे है ना आज, 2 दिन बाद स्कूल जा रहा है विहान। एक्चुअली अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना मेरा, ये शॉल टाइप है, काफ़ी मोटा कपड़ा है इसका, तो इसको मैं डबल करके अपने फेस पर अच्छे से बांध लूँगी, क्योंकि रोज़ गर्मी में मुझे कम से कम 1.5 घंटा अच्छा खासा घूमना चलना पड़ता है। और मेरी स्किन इतनी गंदे से टैन हो गई थी पिछले 15 दिनों में, तो अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी अपनी स्किन का। और अभी एक बार मैं सब्ज़ी मंडी जाऊँगी, क्योंकि कल जो मैं अंगूर लेकर आई थी ना, वो विदेशी अंगूर है, जो भैया ने मुझे बताया, अंकल ने, आज जब मैं दुकान पर गई, और वो काफ़ी महंगे थे, आपको पता ही है, 850-850 रुपये के खरीद के लाई थी मैं 3-4 किलो अंगूर। तो मैं जानना चाह रही थी, मुझे लगा कहीं गलती से भैया ने ज़्यादा रेट लगा दिया हो, लेकिन जब मैं दुकान पे गई तो पता चला वो महंगे ही हैं, वो बहुत महंगे एक्सपेंसिव अंगूर होते हैं, वो रेड ग्रेप्स होते हैं, जो लाल रंग के अंगूर होते हैं ना। तो यहाँ पे दुकान पे गई थी मैं, और देखो यहाँ पानी पानी, इतनी किचड़ी किचड़ी थी ना, बड़ी मुश्किल हो गई थी। और एक मैं पिछली वीडियो में देख रही थी, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो गरीब लोग भी होते हैं वो भी अपना घर अच्छे से सजा के सेट करके रखते हैं, आप अपना घर इतना गंदा रखते हो, पता नहीं ऐसे ऐसे कॉमेंट्स बहुत आ रहे थे। तो आप मेरी लाइफ को देख लीजिए थोड़ा क्लोज से, तो आपको समझ आएगा, मेरे से जितना काम बनता है मैं करती हूँ। सुबह 6:30 बजे मैं उठी हूँ, उसके बाद उस फटाफट 1-1.5 घंटे में विहान को तैयार किया, सुबह का नाश्ता पानी हुआ, फिर विहान को छोड़ने गई हूँ, और जाने और आने में मेरे को पैदल लग जाता है अभी, देखो इतना अच्छा खासा टाइम। फिर मैं मंडी गई, मंडी से अपना सब्जी वगैरह आप देखना सामान लेकर आई, फिर घर आते ही मैंने 5 मिनट भी नहीं बैठी, पानी भी नहीं पिया, उसके बाद इस वीडियो की एडिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं इस वीडियो को भेजूँगी, तो 1-1.5 घंटा एडिटिंग में जाता है मेरा, 4-5 घंटे तो वीडियो की एडिटिंग में ही चले जाते हैं डेली के। यहाँ पर बात करके आई हूँ, वो अंगूर ही बहुत महंगा है, वो पता है यही बात तो मुझे पूछनी थी, मैं कहा 850-850 रुपये का 3-4 किलो अंगूर आया है, इतना कितना मतलब रेट क्या है इस अंगूर का, मुझे तो बहुत महंगा लग रहा था। तो घर अभी आके पता चला वो 1700 रुपये का पूरा डब्बा है, मैंने आधा डब्बा लिया था, तो मतलब वही हाफ रेट लगा है, मतलब इस टाइम अंगूर बहुत महंगा है। अब मैं सोच रही हूँ, मैं जब मंडी में आई ही हुई हूँ तो थोड़ी सी सब्जियाँ देख लेती हूँ घर के लिए, यहाँ से सब्जियाँ देखते हैं, स्पेशली टमाटर, पूछते हैं क्या प्राइस है। 200 रुपये किलो, आधा किलो टमाटर दे दीजिए मुझे साफ साफ एकदम, मैं लेके जा रही हूँ आधा किलो टमाटर, अच्छे अच्छे निकाल दीजिएगा। इसके अलावा भैया पालक क्या है रेट? 20 रुपए गुच्छी है, आप 2 गुच्छी निकाल दीजिए, बोरी देखिए सामने 20 रुपए गुच्छी है। इसके अलावा गोभी किलो, आप मुझे किलो ही निकाल दीजिए साफ साफ, बढ़िया ये वाली गोभी निकाल दीजिए, 80 रुपये किलो है भैया दे रहे हैं, मैं किलो ही ले लेती हूँ घर के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ आई ना, गोभी देख के मेरा खाने का जी कर गया, क्योंकि मैंने अभी एक बार भी गोभी नहीं खाई, हमारे घर आती नहीं, आलू गोभी की सब्जी नहीं बनती, और पता नहीं क्यों देख के दिल करा। भिंडी से तो बोर हो गए हैं, क्योंकि भिंडी का सीज़न तो बहुत पहले आया था गर्मियों में, आई थिंक सर्दियों में आती है गोभी। तो यहाँ पर भैया ने थोड़ी सी हरी मिर्ची अपने आप से ऐड कर दी थी, अब हम आलू लेंगे, अब भैया आलू निकालेंगे। आलू का एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं था, घर पे हो भी सकते थे नहीं भी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैंने कहा किलो आलू लेकर ही चलती हूँ घर में, काम आ जाएंगे। इसके अलावा पाया लहसुन दे दीजिए, लहसुन पाया
ये लीजिए, इसमें से काट लीजिए। अब आम पता करते हैं, 50 के दे दीजिए, अमरूद दे दीजिए, आप 100 के तो ये कर दीजिए और 80 के ये कर दीजिए, आम भी दे दीजिए, बढ़िया सा निकालिएगा। इधर मेरे अमरूद पैक हो गए हैं, इधर रख दीजिए भैया। तो यहाँ से मैंने बब्बू गोशा लिया है, ये वाले आम ले रही हूँ, ये दोनों मैंने किलो किलो लिए हैं और अमरूद भी मैंने किलो लिए हैं, अमरूद मैंने इस रेडी से लिए हैं। अमरूद कितना रेट बताया, 80 रुपये, कितना रेट बताया था भैया अमरूद का? हाँ अमरूद मैंने लिया है 80 रुपये, आम लिया 80 है ना आम, और ये बब्बू गोशा 100 रुपये। हाँ तो ये बब्बू गोशा 100 रुपये है, ये 80 है और अमरूद भी 80 है, और करीबन ये मैंने 260 रुपये की यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी खरीदी है। पालक मैंने खरीदी थी लेकिन मैंने वापस कर दी, एक्चुअली बात क्या हुई कि वहाँ पे गाय आई और गाय एक पालक उठा के लेके चली गई गुच्छी, उन्होंने क्या किया भैया लोगों ने, वो पालक उससे छीन के वापस उसी पालक में डाल दी, मतलब उसके मुंह से निकली हुई पालक जो सेल करने वाली पालक थी उसी में ही डाल दी। फिर मैंने मना कर दी, तो भैया लोग बोलते खेतों में आप देखने जाते हो कितनी पालक पे गायें चर के जाती है कैसी होती है, मैं मन ही मन सोचू आंखों देखी मक्खी थोड़ी निकली जाती है, अब सामने से देख ली, मैंने कहा मैं नहीं लूंगी पालक, आप वापिस ही कर दीजिए। बाकी सब्जियां मैंने यहाँ ले ली है और यहाँ मेरे पैक हो रहे हैं फल फ्रूट, बाकी तो हमने ले लिए थे, मौसम्मी संतरा और कौन सा फ्रूट लेकर गई थी कल मैं, आपको ध्यान हो, हाँ अंगूर, ये तो फ्रूट घर में रखे हुए हैं। अमरूद पसंद है और बब्बू गोशा वो खाता है और आम भी खा रहा है फिलहाल, तो ये तीनों फ्रूट भी मैं लेकर जा रही हूँ ताकि अभी एक हफ्ता मुझे मंडी दोबारा आना ना पड़े। भैया पैक कर रहे हैं। अच्छा तो भैया यहाँ बता रहे हैं कि नारियल जो उनको दिया है ना वो अच्छा नहीं है, जो लेकर आए वो वाला एक पानी निकल रहा है, तो इनका कमाई पे असर पड़ता है इसे। हाँ जी जी, ये मेरा हो गया, एक बार तो मेरा दिल हुआ कि मैं स्पेशल ऑटो कर लूं क्योंकि फिर पैदल घर तक नहीं जाना पड़ेगा या ई रिक्शा, बट कम से कम 30 रुपये फालतू देने पड़ते, 30-40 रुपये, मैं कहा कोई नहीं 25 मिनट का पैदल चलना है, चल लेंगे क्या दिक्कत है घर तक, 25 मिनट्स तो लग जाते हैं वॉकिंग करने में घर तक का। हाँ जी, आप सबके कमेंट्स जो आप कह रहे हो घर गंदा रखती हूँ, ये वाला जैसे घर है ऐसे बिखरा रहता है, आप सबको पता है सुबह 6:15 बजे मैं उठी हूँ और अभी 11 बज चुके हैं, मैं एक मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लिया है, सांस भी नहीं आया है मुझे, और घर का तो अभी तक मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया, घर के साफ सफाई के तो काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। अब वही बात हो जाती है, देखो मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारियां पड़ती है, मेरे को देखो वीलॉग्स भी एडिट करना पड़ता है, इसमें एडिटिंग वगैरह में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। अब आप देखो ना कब की बैठी थी मैं, आगे थी आई थिंक 9:40 पे और अभी 11 बजे तक मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, एडिटिंग मेरा कम से कम 1 घंटा 20 मिनट एक वीडियो ले लेता है, 3 वीडियो जाता है दिन का, तो करीबन ये लगा लो 4 घंटे तो सिर्फ मेरे एडिटिंग में चले जाते हैं पूरे दिन में, ठीक है। उसके बाद अभी देखो आना जाना, अभी मेरा देखो 11 बज चुके हैं, मम्मी एक बार 11:30 बजे मेरे को फिर निकलना है 11:25 तक, 20-25 मिनट बाद, और 20-25 मिनट भी मैं अभी फ्री नहीं बैठूंगी, अभी इस वीडियो का थंबनेल टाइटल बनाने रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल से भी इनको लाने जाऊंगी, लाने ले जाने में मेरा फिर अभी टाइम लगेगा अच्छा खासा, है ना, कम से कम मेरा 12:30 बजे तक वापिस आऊंगी घर, 12:35-12:40, फिर आते ही विहान की ड्रेस चेंज करनी है, फिर उसको कुछ खिलाऊं पिलाने का काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जाके 1 बजे लग के, और वीडियो तो मेरा सुबह से ही शुरू हो जाता है बनना, तो वही है ना, फिर थोड़ा बहुत लगता है कि चलो अब थोड़ा घर का काम निपटाते हैं, तो उसके बाद फिर वीडियो जाता है, मतलब काम मेरे ऊपर बहुत है, जिम्मेदारियां डबल है, आप समझ रहे हो। तो इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन मेरा बाहर निकल जाता है, जैसे बाइक लेने गई उस दिन मैं 5-5 घंटे बाइक शोरूम में बैठी, काम करवाया घर के काम, उस दिन झाड़ू ही नहीं लगा मेरे उस दिन पूरे दिन घर में,
और ये तो तब है जब मेरी मम्मी मेरा बहुत सहयोग दे देते हैं, तब जाके भी बहुत मुश्किल हो जाता है यार, इतने काम हो जाते हैं, लेकिन जब भी मुझे टाइम लगता है, इसीलिए मैं ना ऐसा नहीं होता मेरा प्रॉपर कि मैं सुबह सफाई करती हूँ, मैं रात को भी झाड़ू लगा के झाड़ू पोछा सफाई कर लेती हूँ, भी मुझे पता होता है कि सुबह मुझे एकदम से टाइम नहीं लगेगा घर का काम करने में, तो थोड़ा बहुत मैं रात को ही करके सो जाती हूँ, आधा घंटा जैसे रात को, जैसे शाम को टाइम मिला थोड़ा सा घर में झाड़ू पोछा निकाल दिया, थोड़ी थोड़ी सफाई, लेकिन फिर भी देख लो अभी इस हालत में मेरा घर अभी देखो जो है आपके सामने है। ये देखो ना, ये भी अभी फ्रिज में रखने का टाइम नहीं लगा, मम्मी को कहा मैंने कहा मम्मी उस दूसरे फ्रिज में रखवाओ दूसरे घर में। ठीक है जी, चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।